साल 2003 दिल्ली को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए चुना गया। भारत के लिए गर्व की बात थी, पैसा खर्च होना था, लेकिन मौका था कि दुनिया को उभरते भारत से भी रूबरू करवाया जाए। अगले 7 सालों में खूब तैयारियां हुई, मेट्रो का काम हुआ, ब्रिज, सड़कें, फ्लाईओवर बने, स्टेडियम्स, रेसिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल आदि तैयार हुए। 3 अक्टूबर 2010 को खेलों की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही छीछालेदर हो गई। 23 सितंबर को बीबीसी ने खेलगांव की कुछ तस्वीरें पब्लिश कर दी। खेलों की शुरुआत को सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे और खिलाड़ियों के रहने के क्वार्टर भी अभी पूरे नहीं हुए थे। खेलों की शुरुआत से पहले आए डेलीगेशन ने चिंता जताई कि ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं है। स्कॉटिश डेलीगेशन ने तो बाकायदा एक कमरे की बिस्तर की तस्वीर ही सबमिट कर दी। बिस्तर पर कुत्ते ने केक बना के रखा था। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिनमें बाथरूम में पान की पीके दिख रही थी। इस बाबत जब सवाल किया गया तो आयोजन समिति के एक सदस्य ललित भनोट ने सारी शिकायतों को दरकिनार करते हुए कहा, ये तो बस संस्कृति का अंतर है। भारत और पश्चिम में सफाई का मतलब अलग अलग है। एक तो आयोजन में कमी, ऊपर से अधिकारियों के ऐसे बयानों ने खेलों की शुरुआत से पहले ही भारत की भद पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब टिप ऑफ ग्लेशियर ही था। कॉमनवेल्थ गेम्स नाम का ये टाइटैनिक आगे जाकर पूरे ग्लेशियर से टकराने वाला था। खेल शुरू हुए खूब जोर शोर से और 13 अक्टूबर 2010 तक चले। भारत ने भी इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था जिसमें खूब माल कूटा गया। जितना सोना खिलाड़ी नहीं जीते उससे ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कैसे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, किसने किया और कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस घोटाले में कितने जीरो लगे थे इसकी गिनती से पहले जानते हैं कि इसकी सड़ांत की बदबू लीक कहां से हुई। 29 अक्टूबर 2009 ब्रिटेन का शाही बकिंगम पैलेस, महारानी एलिजाबेथ ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बैटन सौंपा। इस पर महारानी एलिजाबेथ का संदेश लिखा हुआ था। इस बैटन को सभी राष्ट्रमंडल देशों की यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचना था और इसे कहते हैं क्वीन बैटन रिले, और ये राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की एक पुरानी परंपरा है। बहरहाल 2009 में हुए इस समारोह का आयोजन भारत ने करवाया था, सो पैसे भी अपनी तरफ से लगे थे। ट्रांसपोर्ट, वीडियोग्राफी, बैरिगेटिंग के लिए जिस फर्म को पैसा गया था उसका नाम था AM Films। कुल रकम करीब 4 करोड़ के आसपास। पैसे के इस ट्रांजैक्शन पर नजर पड़ी ब्रिटिश हाई कमीशन की। उन्होंने भारत में खबर की, पता चला कि कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। सबकी निगाह मुड़ी सुरेश कलमाड़ी की तरफ, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। कलमाड़ी ने एक ईमेल दिखाते हुए कहा कि AM Films का सुझाव उन्हें लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन से मिला है। हाई कमीशन ने भांडा फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने तो ऐसा कोई सुझाव कभी दिया नहीं, बस यहीं से आयोजन समिति का रोल संदेह के घेरे में आया। इस बीच राष्ट्रमंडल खेलों का वक्त आ गया था। शुरुआत में खेलों के आयोजन का बजट 1600 करोड़ रुपए रखा गया, बाद में इसे बढ़ते बढ़ते 11000 करोड़ किया गया। इसके बाद भी आयोजन समिति 900 करोड़ और मांग रही थी, वो भी तब जब आयोजन में तमाम गड़बड़ियां पाई जा रही थी। लगातार रोज खबर छपती थी, कई काम आखिरी समय तक पूरे नहीं हो पाए थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस मामले में जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खेलों के दौरान निर्माण कार्यों के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी अनियमितताएं हैं। इधर CBI, ED समेत तमाम एजेंसियां जांच में लग गई। समय से खेल शुरू हो पाए किसी तरह और बिना ज्यादा लाग लपेट के पूरे हो गए। कुछ दिक्कतें आई, मसलन कहीं कमरे से सांप निकला तो कहीं खाने में खराबी बताई गई। अफ्रीकी देशों से आए खिलाड़ियों ने नस्ल भेद का आरोप लगाया और खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान सुरेश कलमाड़ी जब स्पीच देने आए तो बोल बैठे कि मैं राजकुमारी डायना का धन्यवाद देता हूँ। सामने बैठे प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला इधर उधर देख रहे थे। एक किस्सा ये भी है कि खेलगांव की नालियाँ कॉन्डम से जाम हो गई थी। हुआ यूं कि उस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 7000 खिलाड़ी भाग लेने आए थे। उनके और सपोर्ट स्टाफ के रहने की व्यवस्था खेलगांव में की गई। खेलों की शुरुआत से पहले सभी लोगों को मुफ्त कॉन्डम बांटे गए। इरादा था कि इस इवेंट से लोगों में जागरूकता बढ़े। लोग कितने जागरूक हुए पता नहीं, लेकिन खिलाड़ियों की जागरूकता में खूब इजाफा हुआ। खेल खत्म होने तक पूरे खेलगांव में नालियां चौक होने लगी। जब चेक किया गया तो वहां ढेरों कॉन्डम्स अटे पड़े थे। कॉमनवेल्थ फेडरेशन के अध्यक्ष माइक फेनल ने कहा, यह अच्छी बात है, इसका मतलब खिलाड़ी यौन संबंध बनाने में सुरक्षा बरत रहे हैं। इन खेलों में भारत ने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 2रा स्थान हासिल किया।
भारत ने 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक जीते। देश में जश्न का माहौल था, लेकिन पीछे ही पीछे जांच एजेंसियां खेलों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि इन खेलों में हुई गड़बड़ियों की जांच कर सकी। 25 अक्टूबर को केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने पूर्व ऑडिटर जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। दूसरी तरफ सीबीसी, ईडी और सीबीआई अपनी जांच में लगे रहे। इस मामले में अप्रैल 2011 में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सुरेश कलमाड़ी सहित चार अन्य लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, पैसे के गबन और जालसाजी के आरोप लगे। कलमाड़ी पर आरोप था कि उन्होंने 40 करोड़ की लागत के एक टाइम स्कोरिंग रिजल्ट टीआरएस सिस्टम यानी रेस के दौरान दिखने वाला वो बड़ा सा बोर्ड जिसमें रेस का टाइम लिखा दिखता है, उसे 140 करोड़ की कीमत देकर खरीद लिया था। इसके अलावा ऑडिट में पाया गया कि खेलों के आयोजन के दौरान सही टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सभी चीजें लगभग दोगुने दाम पर खरीदी गई। मसलन टॉयलेट पेपर का रोल जो 100-200 में आ जाता, उसे 3,000 से 4,000 प्रति रोल पर खरीदा गया। 300 रुपए के सोप डिस्पेंसर को हजारों में और लाखों की प्रैक्टिस मशीनों को करोड़ों में खरीदा गया। इसके अलावा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का तो कहना ही क्या। उस दौरान टीवी चैनल्स पर नित नए खुलासे होते थे। कभी कहा जा रहा था कि लाखों का गुब्बारा खरीदा गया, तो कभी करोड़ों की लाइट्स लगने की बात सामने आती थी। टीवी पर नजरें जमाए प्रजा मंत्रमुग्ध होकर प्रजातंत्र की इस चकाचौंध को निहारती रहती थी। सीएजी ने संसद की पब्लिक एक्शन कमेटी के आगे 700 पन्नों की एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने समय से निर्णय नहीं लिए और कृत्रिम अर्जेंसी पैदा की। कलमाड़ी को अगले 9 महीने तिहाड़ में गुजारने पड़े। अब यहां पर जरा ठहरिए और सोचिए कि क्या आपको याद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में इसके आगे क्या हुआ। 17,000 करोड़ का घोटाला जो रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहा था, इसमें कितनों को जेल हुई, कितने पैसे की उगाही हुई, शायद नहीं, गलती आपकी भी नहीं है। यहां इस चलचित्र का क्लाइमैक्स आ गया था, वो भी बिल्कुल एंटी क्लाइमेटिक। 2013 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार दोबारा जांच की बात कही, लेकिन उसमें भी आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं है। कॉमनवेल्थ घोटाले के एक साल पूरे होते होते एक नई पिक्चर रिलीज हो गई थी जिसका नाम था 2G घोटाला। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला कहीं नेपथ्य में जाता रहा। इस घोटाले से जुड़े कई केस साल 2022 तक कोर्ट में है। साल 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में एक आरटीआई याचिका डाली थी, जिससे पता चला कि लगभग 50 के आसपास मामले अभी लंबित हैं। कलमाड़ी पब्लिक में आखिरी बार अगस्त 2022 में देखे गए थे पुणे महानगर पालिका के दफ्तर में। इस दौरान एक सवाल के जवाब में एक पत्रकार से बोले, बड़े दिनों बाद आया हूं, अब आता रहूंगा। बिल्कुल घोटालों के माफिक जो आते हैं जाते हैं, जिंदगी है, पहिया घूमता रहता है, हम भी घूमते हैं, मतलब चलते हैं। आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुँच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।